हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल ऑफ अन अकेडमी। यहां पर आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, वो भी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का, फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी। अन अकेडमी के ऊपर मिलती है हमको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड मैनर में, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट टाइम एक्सेस। यस भैया, एन नंबर ऑफ टाइम एक्सेस। बस करना क्या होता है, सिंपल सी चीज है, करना हमको ये है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, बस। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आप ढेर सारे कोर्सेज हैं, आप कहीं से भी उनको एक्सेस कर सकते हो और किसी भी समय पर आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो सब पढ़ाते हैं आपको इस ऐप के ऊपर। सुदर्शन गुर्जर, रोमन सैनी, आयुष सांगी, आशीष मलिक, दीपांशु सिंह और मैं भी हूँ भैया। मेरा नाम अमित मोदी है, बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, 4 बार मैंने सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जाम दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया है और 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 12 साल का इन टोटल एक्सपीरियंस है। ये मेरा अनअकैडमी पर प्रोफाइल है, आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर मुझे फॉलो करेंगे, तो जैसे ही मेरा कोई भी लाइव सेशन आता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड दिस इज माई अनअकैडमीज टेलीग्राम चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल रूल, जो हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने जाना अकबर के बारे में, आज हम लोग जानेंगे जहांगीर शाहजहां के बारे में। कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर होता है विद ऑप्शनल कोर्सेज एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज प्लस और आइकॉनिक, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, हमें इनमें से सब्सक्राइब करना होता है। बिल्कुल, ये लेना होता है, परचेज करना होता है। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है फॉर द प्लस, दैट कॉस्ट अस 49,500। अमित मोदी रेफरल कोड यूज करके ही इसमें आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट और आपकी टोटल पेबल फीस होगी 44,550। 2 ईयर के लिए आपको 64,800 देने पड़ेंगे और 3 ईयर प्रोग्राम के लिए 81,000 आपको प्राइस पे करनी होगी आफ्टर यूजिंग द कोड अमित मोदी। बेनिफिट्स: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, हर चीज को आपकी तैयारी हो जाएगी और वो भी अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। अगर आप ईएमआई ऑप्शंस ऑफ करना चाहते हो तो ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है। 3,700 रुपया ईएमआई ऑप्शन ये आपको पड़ती है फॉर द 1 ईयर प्रोग्राम। सब्सक्रिप्शन प्लान भी, सॉरी आइकॉनिक प्लान भी हैं। आइकॉनिक प्लान में हमको एक पर्सनल कोच मिलता है, डेली क्वेश्चन मेन आंसर प्रैक्टिस मिलती है, स्टडी प्लानर होता है, पर्सनलाइज फीडबैक। फीस है 69,500, 1 ईयर का, 2 ईयर का 1,07,000, 3 ईयर का 1,41,000। अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते ही आपको इन पूरे फी स्ट्रक्चर से मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। भैया, अमित मोदी रेफरल कोड यूज करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पर्सनल गाइडेंस, एवरीथिंग यू विल गेट। और ऑप्शनल के लिए अलग से आपको सब्सक्राइब करना रहेगा, 27,500 ये फीस है। अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते ही 24,750 ये आपको ऑप्शनल के लिए पड़ेगा। भैया, आप फ्री में भी आप प्लस का मजा उठा सकते हो, ये फ्री कोर्सेज हैं। आज जैसे क्लास है ठीक रात को 10:30 बजे, आप जाइए अकेडमी लर्निंग ऐप पर, मेरा नाम सर्च कीजिए और ये ज्योग्राफी का एक एमसीक्यू सीरीज चल रहा है फॉर प्रीलिम्स 2021, इसे अटेंड कर सकते हो। एंड दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस का सब्सक्राइब करने के बाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट क्रैक इट, लेट क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी। जैसा मैंने कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट वी आर गोइंग टू डील द मुगल रूल अंडर द जहांगीर एंड द शाहजहां। ये अकबर की डेथ हो जाती है 1605 एडी में, 1605 एडी से लेकर के 1627 एडी तक जहांगीर रूल करता है और 1627 से लेकर के 1658 तक शाहजहां का रूल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जहांगीर के बारे में। इनका पूरा नाम था नूरुद्दीन जहांगीर। यस भैया, नूरुद्दीन जहांगीर, पर असली नाम था सलीम, प्रिंस सलीम, जो कि अकबर और हरका बाई के बेटे थे। तुजुके जहांगीरी मुतमैद खान ये बुक लिखते हैं। यस, बेसिकली देखा जाए तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है, जो जहांगीर खुद लिख रहे थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तुजुक ए जहांगीरी ये बाद में मुतमैद खान इसे कंप्लीट करते हैं। पर्शियन लैंग्वेज में ये बुक लिखी हुई है और ये बुक है मेजर सोर्स अबाउट द रीन ऑफ दी जहांगीर। मुतमैद खान ने एक बार नामा है जहांगीरी, ये भी एक नाम की किताब लिखी हुई है। भैया, जहांगीर जो है ही वॉज ऑल्सो, ये भी जो है काफी अमेजिंग टाइप का रूलर था। यस भैया, बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग रूलर था, बट एक काफी अच्छा पेंटर था। ही वॉज अ वेरी गुड पेंटर, ठीक है। अमेजिंग इन द सेंस
यस सर, वंस अपॉन अ टाइम ही वाज अ ओपीएम ईटर। बिल्कुल, अकबर ने मना कर दिया कि वो उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, उसका सक्सेसर जहांगीर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। और उसने अपने ग्रैंडसन खुसरो को जो है अपॉइंट किया एज ए सक्सेसर, लेकिन सलीम जो है ओपीएम मीटिंग वगैरह ये सब को छोड़ करके एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना, ठीक है, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना। ना इवन जो अकबर ने एम्पायर एस्टैब्लिश किया था उसे एज इंटैक्ट रखा, बल्कि एक्सपैंड भी किया और कंसोलिडेट भी किया, इसीलिए वो काफी अमेजिंग रूलर था, ठीक है। यस, और सबसे अच्छी चीज इनके टाइम पर ब्रिटिशर्स का एडवेंट भी होता है, ठीक है। तो भैया ये देखते हैं आगे, जहांगीर एल्डेस्ट सन है, इन्होंने थ्रोन को सक्सीड किया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। इनका कोई देखा जाए तो इस सक्सेशन के ऊपर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि जो इनके भाई थे छोटे, यस दानियाल, दानियाल एंड मुराद, ये इनके दो छोटे भाई और थे, दानियाल एंड मुराद, ये दोनों छोटे भाई जो है पहले ही मर गए थे बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ड्रिंकिंग। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ही वाज एन ओपियम ईटर, लेकिन अकबर ने इसलिए डिसाइड किया कि अपने ग्रैंडसन को, यस अपने ग्रैंडसन यानी कि खुसरो को वो बनाएगा रूलर। भैया प्रिंस सलीम जो है वो बने मुगल एम्परर अपने फादर की डेथ के बाद। खुसरो को ये चीज अच्छी नहीं लगी, बोले यार मेरे पापा बन गए यार मैं नहीं बना, तो वो रिबेल कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। खुसरो वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जहांगीर। यस भैया, दोनों ने यहाँ से जो एक प्रथा होती है ना अपने फादर के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने वाली, ये शुरू हो जाती है। खुसरो वॉज द फर्स्ट वन, खुर्रम वॉज द सेकेंड वन, थर्ड वन वॉज द औरंगजेब, जिसने शाहजहां के टाइम पर किया, ठीक है। यस, टसल शुरू हो गई फादर और सन के बीच में थ्रोन के लिए भैया, जो कि अनयूजुअल थी उस टाइम पर, देखा जाए तो बिल्कुल भी अनयूजुअल थी, ठीक है। जिस पर भैया जहांगीर, बिल्कुल जहांगीर ने अपने इस रेबेल बेटे को काफी अच्छा सबक सिखाया। वेल, खुसरो जो है वो आगरा से भाग करके जाते हैं, फिफ्थ सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी से मिलते हैं, इनसे कैश में हेल्प लेते हैं और गुरु अर्जन देव इनका करोनेशन करते हैं बाय पुटिंग द टीका ऑन हिज फोरहेड। यस भैया, ये गुरु अर्जन देव देते हैं, ठीक है। खुसरो को लाहौर के पास में जहांगीर की फोर्सेस 1606 AD में हरा देती है, जहांगीर को इम्प्रिजन कर दिया जाता है, अंधा ब्लाइंड कर दिया जाता है और जेल में रख दिया जाता है, जहां पर उसकी 2-3 साल में डेथ हो जाती है और वो मर जाता है। लेकिन भैया सिख गुरु गुरु अर्जन देव इन्होंने हेल्प किया था खुसरो को एक मुगल एम्पायर एम्परर के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट को उन्होंने सपोर्ट किया, और इससे नाराज होकर के जहांगीर गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट कर देता है, उन्हें मार देता है। इनके मर्डर के बाद अरे भैया बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, यहाँ पर जो रिलेशन है सिख और मुगल्स के बीच में उनमें स्ट्रेन आ जाता है, और ये स्ट्रेन ऐसा आता है कि औरंगजेब के टाइम पर बीच में थोड़ी बहुत सिचुएशन नॉर्मल होती है, लेकिन औरंगजेब के टाइम पर ये वर्स्ट टू द वर्स्ट हो जाती है। यस भैया, फिफ्थ सिख गुरु जो 10th सिख गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी, वो खालसा आर्मी को स्टैब्लिश करते हैं, खालसा पंथ को स्टैब्लिश करते हैं, जस्ट टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स, ठीक है, जस्ट टू फाइट अगेंस्ट द मुगल, और इस फाइट को कैरी ऑन करते हैं बाद में बंदा बहादुर एंड उसके बाद में द वेरियस सिख चीफ, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है महाराजा रणजीत सिंह। हम बाद में भी इन चीजों को जानेंगे, इन चीजों को पढ़ेंगे, बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे इन सब चीजों को, ये सब हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो भैया आगे देखते हैं, अकबर की तरह जहांगीर को भी लगा कि भैया खाली लड़ने से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स खाली लड़ने से नहीं होगा, बैटल्स कॉन्क्वेस्ट इससे कुछ नहीं होगा, अगर आपको कुछ जीतना है तो लोगों की गुडविल जीतो, उनका भरोसा जीतो। अकबर के ही कंसेप्ट के ऊपर जहांगीर ने वॉर करना शुरू किया अफगान को, बिल्कुल उसने वॉर लड़ा, ऐसा नहीं था कि उसने वॉर नहीं लड़े, ही वॉज नॉट अ कैपेबल जनरल, ही वॉज अ वेरी ब्रेव एंड अ कैपेबल मिलिट्री जनरल, ठीक है। ये चीज, उसने अफगान को डिफीट किया जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और वी कैन से दैट ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, उनको हरा दिया, हराने के बाद में उनको सिंपैथी के साथ अपने साथ मिला लिया, बोले यार भाई तुम कहाँ क्या करोगे, कहाँ जाओगे, चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ रिवोल्ट किया ना मेरे अगेंस्ट में, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुमको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुमको अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ओके, यस, अफगान्स, अफगान्स ने इनको सपोर्ट किया, और इसका बेनिफिट ये हुआ जो ईस्ट बंगाल का रीजन है जो कभी मुगल एम्पायर का पार्ट नहीं बना, यहाँ पर बन गया, लॉन्ग लास्टिंग जो स्ट्रगल चल रहा था इस पूरे रीजन में वो खत्म हो गया, पीस एस्टैब्लिश हो गया। भैया देखो, जब पीस एस्टैब्लिश होता है तो
ट्रेड एंड कॉमर्स बेनिफिट होता है, यस वो बूस्ट करता है, उसमें बेनिफिट मिलता है। तो यस भैया, बंगाल से साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड में काफी ज्यादा बूस्ट मिला, काफी ज्यादा बूस्ट मिला, और उसका सीधे सीधे एडवांटेज मिला मुगल एम्पायर को, मुगल एम्पायर को। प्लस जब पोर्चुगीज, यस 1631 16 सॉरी 1615 AD के अराउंड में, तब पोर्चुगीज जो है, पोर्चुगीज पायरेट स्पेशली, जब हुगली पोर्ट के ऊपर उन्होंने पायरेसी स्टार्ट करी, अपना कंट्रोल बनाना शुरू किया, तो यहीं पर यस इसी पीस की वजह से वो अपना हेगेमनी वहां पर स्टैब्लिश नहीं कर पाए, सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट तक ही वो लोग सीमित रह के रह गए। ठीक है, ये चीज सेम टू सेम अकबर का जो राजपूत पॉलिसी था वही जहांगीर और शाहजहां ने कंटिन्यू किया। तो ये देखो, राजपूत जैसे देखा जाए तो साहब जितने भी राजपूत रूलर्स थे ना, उन सभी के साथ अलायंस बन चुका था। खुद तो जहांगीर ने जोधपुर की प्रिंसेस यानी कि अच्छा प्रिंसेस प्रिंसेस जगत गोसाई, हर नेम वो जोधा भाई, उनसे शादी करी थी। उसके बाद रणथंभौर, देन सिरोही, देन बूंदी, इन सब के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी बनाए। लेकिन भैया प्रॉब्लम सिर्फ एक ही के साथ थी, दैट वाज ऑफ मेवाड़, सिसोदिया डायनेस्टी, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की डेथ के बाद में उनके बेटे थे अमर सिंह, यस उनके बेटे थे अमर सिंह। अमर सिंह जो है ये कंटिन्यू रखते गए स्ट्रगल। 1597 में राणा की डेथ होती है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद में अमर सिंह जो है स्ट्रगल को कंटिन्यू करते चले गए, अकबर के टाइम पर भी और जहांगीर के टाइम पर भी। लेकिन भैया जहांगीर ने इस मैटर को थोड़ा सा सीरियसली लिया। जैसे ही वो 1605 में थ्रोन पर बैठा, वो पहुंचा जहांगीर अपनी फोर्सेस के साथ अगेंस्ट द राणा अमर सिंह, ठीक है। राणा टूटना ही नहीं चाहते थे, राणा बिल्कुल भी अपनी विल से हिलना नहीं चाहते थे। 1613 में जहांगीर ने खुद अजमेर पहुंच करके एक बड़ी लार्ज आर्मी के साथ मेवाड़ के माउंटेन्स को इन्वेड किया, वहां पर अपना डेरा डाल लिया। प्रेशर पड़ा राजपूत के ऊपर, जो राजपूत कुछ रूलर्स थे, सरदार थे, वो डिफेक्टेड हुए राणा अमर सिंह से। बाद में ट्रूस साइन हुआ, यस। लेकिन जहांगीर ने भी यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा जेनरोसिटी दिखाते हुए राणा अमर सिंह को बिल्कुल भी ह्यूमिलिएट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे मित्र हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि आप हमारे अलाई हैं, आप हमारे फ्रेंड हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे सबॉर्डिनेट हो, बिल्कुल नहीं। अकबर ने राजपूत को कभी भी सबॉर्डिनेट नहीं समझा, और इसीलिए यस दिस वॉज द मेन थिंग, इसीलिए अकबर ने राजपूत के ही हेल्प के साथ पूरे इंडिया, नॉर्थ इंडिया पर अपना जो है कंट्रोल स्टैब्लिश किया, वो पूरा एक ऑल इंडिया एम्पायर स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गया। सेम टू सेम यही चीज जहांगीर ने भी फॉलो करी। जहांगीर ने कहा कि भैया आप जो है आप हमारे फ्रेंड हो, आप हमारे फ्रेंड हो, मित्र हो आप हमारे सबॉर्डिनेट नहीं हो। तो इससे खुश होकर राणा का जो बेटा था, राणा अमर सिंह का जो बेटा था, राणा करण सिंह, ठीक है, ये डेप्यूटेड किए जाते हैं जहांगीर कोर्ट में, जहां पर उनको काफी ज्यादा ग्रेशियसली रिसीव होता है, एक मनसब दिया जाता है ऑफ रैंक 5000, जो कि सबसे हाइएस्ट है, यस सबसे हाइएस्ट है 5000 रैंक का। और टेरिटरीज जो चित्तौड़ के आसपास की है वो उनको रिस्टोर कर दी जाती है, वो इनको रिस्टोर कर दी जाती है। जहांगीर ने कभी नहीं कहा राणा अमर सिंह से कि आप आओ हमारे कोर्ट में, हमसे मिलो, हमारे लिए गिफ्ट लेकर के आओ, ट्रिब्यूट लेकर के आओ। कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, यस कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जहांगीर ने जो टास्क अकबर ने स्टार्ट किया था उसे प्रॉपर तरीके से यस कंप्लीट कर दिया। जितने भी राजपूत थे उनके साथ अलायंस बना दिया। देखो भैया, ईस्टर्न पार्ट में प्रॉब्लम थी अफगान से, प्रॉब्लम सॉल्व। वेस्टर्न पार्ट में प्रॉब्लम थी राजपूत से, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इन सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन के चक्कर में जहांगीर भूल गए काबुल और कंधार को। क्या हुआ? जहांगीर भूल गए काबुल और कंधार को। तो भी अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकला उसका कि 1622 AD में, यस क्या रिजल्ट निकला, 1622 AD में जो कंधार था, यस कंधार जो रीजन था वो पर्शियन किंग्स के हाथ में चला गया। ओहो, अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। पर्शियन किंग्स, यस काबुल एंड कंधार, यस भैया ये दोनों पार्ट चले गए भैया। ठीक, कब देखो, 1522
और 1622। अब इसके बाद कभी भी ये रीजन जो है इंडियन टेरिटरीज में नहीं आते, यस कभी नहीं आएंगे, 100 ईयर्स तक ही बस होल्ड कर पाए। और यस शाहजहां ने भी बहुत कोशिश करी कि काबुल और कंधार को भी वो फिर से रिकैप्चर कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। एंड अल्टीमेटली द मुगल एम्पायर लॉस्ट काबुल एंड कंधार, जहां बाबर ने जहां से शुरुआत करी थी वो चीज। ठीक है, ये बात भैया मैंने क्या कहा, 1622, 1622 में मलिक अंबेर जो था अहमदनगर को जो है यहाँ पर ये सब अपने हील पर लेकर के आ गए, एक लॉन्ग एरा का जो एक पीस था यस एस्टैब्लिश किया जहांगीर ने अपने एरिया में, अपने रील में। मलिक अंबेर सप्रेस करने का जो क्रेडिट जाता है दैट गोज टू शाहजहां। ठीक है, शाहजहां, लेकिन पूरी तरीके से इनको हटाया नहीं गया। जब शाहजहां ने रेबिल किया तो मलिक अंबर ने काफी उनकी हेल्प करी। अहमदनगर एम्पायर तो अकबर ने पहली बार कॉन्क्वेस्ट बनाया, डेक्कन पर अटैक किया, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से कॉन्कर नहीं कर पाए। मुगल एम्पायर में अहमदनगर किंगडम को इनकॉर्पोरेट करने का जो क्रेडिट है दैट गोज टू शाहजहां ओनली। ठीक है, शाहजहां ने अपने डेक्कन कैंपेन में पूरे अहमदनगर टेरिटरीज को कैप्चर भी किया, मुगल एम्पायर का हिस्सा भी बनाया, बीजापुर और गोलकोंडा किंगडम जो कि तैमनी किंगडम से टूट के बने थे उनको भी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करने पर कंपेल किया, मजबूर कर दिया। ठीक है, और औरंगजेब को बना दिया वहां का गवर्नर, क्या बनाया, वहां का गवर्नर। यस ठीक है, यस वो जानता था, यस शाहजहां ही वॉज वेरी मच अवेयर कि अगर ये सिचुएशन को कोई भी हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ औरंगजेब है। यस भैया औरंगजेब ही वॉज अ वेरी केपेबल जनरल, यस ही वॉज अ वेरी केपेबल मिलिट्री जनरल एज वेल एज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एज वेल एज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी इसी वजह से वो थोड़ा सा फेनेटिक में कन्वर्ट हो गया। यस तब क्यों हुआ वो हम लोग देखेंगे हमारे कल के सेशन में। आज हम लोग जहांगीर और शाहजहां के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखा जाए तो सिर्फ जहांगीर ही है, ये शाहजहां के दिन में तो ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ सिवाय कंस्ट्रक्शन वर्क। यस मुगल आर्किटेक्चर में जितनी ज्यादा मॉन्यूमेंट जो हम लोग देखते हैं, ताजमहल है ना, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जामा मस्जिद, देन रंग महल ऑफ आगरा फोर्ट, ये सब चीजें सब शाहजहां के टाइम पर बनी है, सब कुछ शाहजहां के टाइम पर बनाई गई है। यस भैया एवरीथिंग। ठीक है, ये वेल यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, पर भैया सिचुएशन जो थी जहांगीर के टाइम की तो पीस तो था, लेकिन दो बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। पहला कंधार चला गया जो मैंने बता ही दिया आपको, दूसरा जहांगीर की हेल्थ डिटीरिएट होना शुरू हो गई। जहांगीर की जो हेल्थ थी ना वो डिटीरिएट होना शुरू हो गई और इसके कारण जो सेशन वॉर था वो लगभग लगभग शुरू हो गया। तो भैया जहांगीर के चार बेटे थे यार, जहांगीर के चार बेटे थे, खुसरो ये तो चले गए, देन खुर्रम, ठीक है, फिर शरियार, ठीक है, और एक बेटा और था मैं शायद मुराद नाम था उसका, है ना, एक बेटा और था मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। ठीक है, ये चीज शरियार जो है वो नूरजहां के खेमे में चले जाते हैं, खुर्रम भी इनिशियल फेज में थे लेकिन खुसरो की डेथ के बाद में अब खुर्रम सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर या केपेबल जनरल है, प्रिंस है अब ये। ठीक है, तो यस जब इनका हेल्थ बिगड़ता है तब सक्सेशन के लिए स्ट्रगल शुरू होता है प्रिंसेस के बीच में, और वहां पर शाहजहां सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड ही बिकेम द मुगल एम्परर। ठीक है, यही दो प्रॉब्लम थी हमारे प्यारे से जहांगीर रूलर के साथ। और यहाँ पर नूर जहां इस सिचुएशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नूर जहां असली नाम मेहरुन निसा, यस अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, काफी सुंदर थी। यस तभी तभी जहांगीर ने इनको नूर जहां कहा। नूर मींस रोशनी, जहां मींस पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की रोशनी। फेमस है नूर जहां का, नूर जहां और उनका जुंता यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। कौन था उनके जुंता में, उनके ग्रुप्स में, उनके फादर इतमादुद्दौला, उनका ब्रदर आसफ खान, उनका जो है ये स्टेप सन खुर्रम और
बाकी और कुछ नॉवल्स, ठीक है। यस, ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां की जो शादी थी दैट वाज अकर्ड विद नशीर अफगान, एक ईरानियन पर्सन था, और बंगाल के एक रूलर, मुगल्स के बंगाल के गवर्नर के साथ क्लैश हुआ उसका, वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द फर्स्ट हस्बैंड ऑफ नूरजहां। नूरजहां के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, यहाँ पर उनकी एक डॉटर होती है, ठीक है, ये चीज। और वो अपने फादर इतमादुद्दौला, इतमादुद्दौला जो है वो जॉइंट दीवान है। क्या है भैया? जॉइंट दीवान किसके टाइम पर? जहांगीर के टाइम पर। उनकी बेटी है मेहरुन्निसा, और ये मेहरुन्निसा जो है आ जाती है आगरा। आगरा में 1611 AD में शादी होती है जहांगीर के साथ। यस भैया, क्या? जहांगीर आगरा के रेड फोर्ट में जो है एक बाजार लगता है, मीना बाजार। नूर जहां वहां पर घूमने आती है, जहांगीर भी घूमने जाते हैं, दोनों की आपस में मुलाकात होती है। फर्स्ट साइट में ही दोनों एक दूसरे को अच्छा समझने लगते हैं और शादी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ये शादी होती है, इतमादुद्दौला बन जाते हैं वजीर, यस, मेन दीवान ऑफ दी मुगल एम्पायर। आसफ खान को पहले मीरे सामान बनाया जाता है और फिर बाद में मीर बख्शी। यस भैया, उनका भाई तो यस। नूरजहां का ग्रुप तो ऑब्वियसली स्ट्रांग हो गया। नूरजहां के फादर दीवान है, उनका जो भाई है आसफ खान वो मीर बख्शी है, यानी कि पूरा पूरा आर्मी का मास्टर मास्टरिंग उसके हाथ में है, और हस्बैंड तो है ही, तो भैया पूरा ग्रुप नूरजहां का हो गया। यस, और सब कुछ पूरा सपोर्ट है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी एक जो है यहाँ पर, आसफ खान ने और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया अपनी बेटी अर्जुमन बानो बेगम, जिसको हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं, शादी कर देते हैं खुर्रम यानी कि शाहजहां के साथ। यस भैया, काफी बड़ा, मतलब अच्छा लंबा चौड़ा अलायंस बनता है। फादर, ब्रदर, खुर्रम, नूरजहां, ये सब एक जो है जुंता बना लेते हैं ग्रुप, जो कि जहांगीर के अफेयर्स को मैनेज करते हैं। भैया, अगर आपको याद हो, सर थॉमस रो, सर कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आए परमिशन मांगने के लिए, उनको डिनाई किया गया। किसके कहने पर? नूरजहां के कहने पर, इस जुंता के कहने पर। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज के साथ वो डायरेक्टली टसल नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब पोर्चुगीज को हरा दिया गया, तब फिर नूरजहां के ही कहने पर उनको राइट मिले, उनको परमिशन मिली, ताकि वो सूरत में अपनी फैक्ट्री को ओपन कर, ठीक है। ये चीज। अब क्या हुआ, जुनता तो बन गया, तो फैक्शन भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब जुनता हो गया एक जगह पर और उनके हो गए अपोनेंट, हालांकि अपोनेंट्स काफी वीक थे और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये ग्रुप तो बन गया, लॉबी तो बन गई, लेकिन इस लॉबी से कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी किसी भी टाइप का वीकनेस और किसी भी टाइप की कोई भी समस्या नहीं आई। यस, कभी नहीं आई, नेवर इट अकर्ड। एक्सक्यूज मी गाइस, एक मिनट, कभी भी कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर राइज नहीं करी कोर्ट के अंदर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां जो है पॉलिटिकली काफी एम्बिशियस थी, और यही कारण था कि वो उनके और शाहजहां के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई, जिसके कारण 1622 में शाहजहां ने रेबेल किया, शाहजहां ने रेबेल किया। लेकिन भैया, जो पॉलिटिकल रोल है नूरजहां का, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो शी वाज सेड एज बादशाह बेगम, बिकॉज वो काफी ज्यादा फेवरेट क्वीन थी। यस, नूरजहां जो थी वो काफी ज्यादा फेवरेट क्वीन थी ऑफ जहांगीर। जहांगीर की वैसे बहुत सारी वाइफ्स थी बेटा, है ना। ये चीज, ऐसा कहा जाता है कि ही हैड 200 वाइफ्स इन हिज हैरम। यस, 200 वाइफ्स थी जहांगीर के पास, ठीक है। उनमें से सबसे फेवरेट थी नूरजहां, है ना, सबसे फेवरेट थी नूरजहां। वेरियस राजपूत लेडीज, वेरियस अदर राजपूत लेडीज और आल्सो थे, लेकिन ये सबके साथ मिलजुल के रहा करते थे, ये सब एक साथ रहा करते थे, अच्छे से रहते थे। कोई भी ऐसा क्लैश, पॉलिटिकल टसलनेस, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बस ये था कि नूरजहां थोड़ा सा जहांगीर को हेल्प करते थे इसमें पॉलिटिकल मैटर्स, इसीलिए उनको फिर इसीलिए वो उनके फेवरेट हो गए, काफी ज्यादा क्लोज हो गए, और उन्हें बादशाह बेगम का टाइटल भी मिला। उनको ने डोमिनेशन शुरू किया रॉयल हाउसहोल्ड का, बिल्कुल भैया, हर नए फैशन टाइप ये चीजें शुरू करी, पर्शियन ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस किया मुगल कोर्ट के अंदर, पर्शियन आर्ट एंड कल्चर काफी अच्छा प्रेस्टिजियस रीजन में पहुंच गया। और यस, हमको ये इन्फ्लुएंस मिलता है जहांगीर के पेंटिंग्स में। जहांगीर वॉज अ वेरी गुड पेंटर, उनकी पेंटिंग्स में हमको पर्शियन टच, पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है इस वेरियस टाइप ऑफ परफ्यूम्स, यस,
फॉर जहांगीर एंड फॉर हरसेल्फ एंड फॉर द अदर रॉयल लेडीज, ये खुद नूर जहां बनाते थे। यस, रोज परफ्यूम काफी फेमस था, रोज परफ्यूम ये नूर जहां खुद बनाते थे अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अदर रॉयल लेडीज के लिए, ठीक है ये चीज। तो वेल, नूर जहां के कॉन्स्टेंट कंपेनियन, शी वॉज द कॉन्स्टेंटली कंपेनियन विद जहांगीर, बिल्कुल हंटिंग एक्सपेडिशन के साथ भी वो उनके साथ जो है जाती थी, ये चीज। और ऐसा कहते हैं कि भैया जब इतना सब कुछ है, इतना क्लोजनेस है, तो इन्फ्लुएंस तो करेंगे करेंगे, पर नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बिल्कुल अब क्वेश्चन मार्क लगता ही है ना कि कोई भी वेमेन इस पोजिशन तक कभी नहीं पहुंची। यस भैया, कोई भी वेमेन इस पोजिशन तक नहीं पहुंची क्योंकि तो अपने हस्बैंड के साथ, यस अ क्वीन, वो अपने हस्बैंड के साथ हर जगह वो उनके साथ जाए। अगर वो शिकार पर जा रहे हैं, हंटिंग पर जा रहे हैं तो उनके साथ, ठीक है, अगर वो ऐसे ही किसी स्टेट के पर्पस के लिए अपने किसी वर्क से जा रहे हैं तो उनके साथ, हमेशा नूरजहां जहांगीर के साथ ही रहती थी, ऑलवेज, ठीक है। लेकिन भैया जहांगीर जो है अपने जुंता पर, इसके जुंता पर या नूर जहां के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं था, वो अपने नॉर्मल प्रमोशंस, नॉर्मल कंडीशन ये सब लेता था। शाहजहां भी जो प्रेडोमिनेंट पोजीशन में पहुंचे, यस, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि शाहजहां मलिक अंबर का रिवोल्ट क्रश करने के लिए डेक्कन जाते हैं, तो भैया शाहजहां फेवरेट सन भी बनते हैं जहांगीर के, तो वो नूर जहां के कहने पर नहीं बनते हैं, वो अपने मेरिट के ऊपर बनते हैं, अपने मेरिट के ऊपर, ना, अपनी पर्सनल क्वालिटीज के ऊपर, अपने अचीवमेंट्स के बेस पर, बैकिंग नहीं होती नूर जहां की। अगर ऐसा कुछ होता तो नूर जहां की डॉटर थी लाडली बेगम, उनके हस्बैंड थे शरियार, शरियार तो सन था जहांगीर का, वो टॉप पर आता, ये कभी आता ही नहीं। प्रॉब्लम क्या हुई, शाहजहां ने, बिल्कुल शाहजहां ने जो है रिवोल्ट किया अपने फादर के अगेंस्ट में, दूसरा कारण था उसके पीछे, दूसरा कारण था नूर जहां, कारण थी ही नहीं, ठीक है। ये डेक्कन कैंपेन जो किया मलिक अंबेर को हरा करके, अपनी सारी की सारी प्रेस्टीज जो है वो उन्होंने अर्न करी, अर्न करी, ठीक है ये चीज। लेकिन शाहजहां, अरे भैया एम्बिशन तो हर किसी के होते ही हैं, जहांगीर दोनों बेड था ये चीज, है ना, ये चीज। बेसिक रीजन कुछ और था जहांगीर और शाहजहां के कॉन्फ्लिक्ट के बीच, ठीक है, क्या था भैया, कंधार में हुआ रेबिलियन, ये 1622 की बात है ना, कंधार में हुआ रेबिलियन, शाहजहां को बोला गया आप चले जाओ, शाहजहां ने जाने से मना कर दिया, बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ही वॉज वेरी मच अवेयर विद द कोर्ट प्रॉब्लम्स, और कहा कि भाई अगर मैं गया और फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेरे हाथ से मुगल गद्दी चली जाएगी, मुगल गद्दी चली जाएगी, वो कोर्ट से एबसेंस एबसेंट नहीं रहना चाहता था यहाँ पर, ठीक है। याद तक ये था कि इस टाइम तक इतमादुद्दौला की डेथ भी हो चुकी थी और जो आसफ खान थे वो बन चुके थे क्या, वजीर, यस, दीवान, जो उनके ससुर थे, यस, फादर इन लॉ जो थे, ठीक है चीज। जाने से पहले बिल्कुल शाहजहां ने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी कुछ डिमांड्स, मेरी कुछ डिमांड्स। उन्होंने कहा कि भैया मेरे को फुल कमांड चाहिए आर्मी का, मेरे को डेक्कन से मेरे कुछ सोल्जर्स को मंगाना है वो मंगा दीजिए, और पूरा पंजाब को मैं स्वे करना चाहूंगा, बिल्कुल जितने भी इंपॉर्टेंट फोर्ट है वो सब मेरे कंट्रोल में रहेंगे, ये चीज। जहांगीर ने मान तो ली बात, लेकिन उसको एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, बोले यार ये क्या हुआ यार, ये एरोगेंसी नहीं चलेगी यार, यस, ये एरोगेंसी नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है ये चीज। उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं ठीक है, बोले भेजा तुमको, तुम जाओ वापिस जाओ। अरे भैया मेडिटेशन, मीडिएटिंग रेबिलियन जो है ये प्रॉब्लम हुआ, एक्शन के तर्ज पर उसने मतलब पनिश किया इसको, शाहजहां, शाहजहां को उसने पनिश किया, ठीक है यस भैया। शाहजहां बोला कि नहीं यार तो गलत हो गई, शाहजहां ने कहा कि ओके मैं को अब गद्दी चाहिए, और उसने आगरा पर अटैक कर दिया, अटैक कर दिया ये चीज, ठीक है ये बात, ठीक है। गुजरात, मालवा, डेक्कन ये सब उसके सपोर्ट में, उसके सपोर्ट में थे, ठीक है, इवन उसके जो फादर थे आसफ खान वो भी उसके सपोर्ट में थे, लेकिन शाहजहां को हरा दिया गया इस महाबत खान ने। महाबत खान ही वाज द ब्रेवेस्ट जनरल, अगेन द सेकंड ब्रेवेस्ट जनरल, यस भैया, ऑफ जहांगीर। जहांगीर ने शाहजहां को हरा दिया और उसे फोर्स किया, बिल्कुल उसे मजबूर कर दिया कि वो भाग जाए, वो भागा, भाग के कहाँ गया, डेक्कन में, डेक्कन में छुपा। महाबत खान वहां भी पहुंच गए, वो भाग के पहुंचा उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से फिर उसने सोचा कि मैं अटैक करूंगा, महाबत खान वहां भी पहुंच गए। अल्टीमेटली अल्टीमेटली शाहजहां को आना पड़ा लौट करके फिर से डेक्कन, ठीक है यस, अल्टीमेटली फिर से डेक्कन आना पड़ा, है
है ना ये चीज। भैया अपने आप को उसने सेव किया कंप्लीट डिफीट से मेवाड़ कंटिजेंट के थ्रू, मुगल टेरिटरीज को जो थोड़ा सा डेक्कनी रूलर्स के साथ मिल करके उसने थोड़ा सा कुछ अटैक करना शुरू किया। फिर वो उड़ीसा पहुंचा, वहां के गवर्नर को उसने सरप्राइजिंगली लिया, बंगाल बिहार को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी, महाबत खान वहां भी पहुंच गया और उसको डिक्कन वापस आना पड़ा। यार भैया शाहजहां ने फिर क्या क्या करता ना करता क्या करता, मलिक अम्बेर के साथ मिला लेकिन मलिक अम्बेर की भी डेथ हो गई। अब वो क्या करता, वो हेल्पलेस था, तो उसने अपने फादर को लेटर लिखा, माफी मांगी। ठीक है, यस, अपने फादर को लेटर लिखा और माफी मांगी। माफी मांगने के बाद में जहांगीर भी क्या करता बेचारा, काफी एनर्जेटिक सन था, तो ठीक है काफी एबल सन था, उसको पार्डन कर दिया, बोला कि ठीक है बेटा गलती तो सबसे होती है। यस, जहांगीर से भी तो हुई थी, जहांगीर से भी तो हुई थी। अगर आपको याद हो अकबर के अगेंस्ट में जहांगीर भी रिवोल्ट करते हैं अलाहाबाद में, वो अलाहाबाद में जो है वो अपने आप को एज अ एम्परर जो है अपॉइंट करते हैं। यस भैया, बंदा बहादुर, यस नहीं बंदा बहादुर नहीं, मैं नाम भूल गया यार, है ना, ओरछा के राजा थे बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला उनके काफी अच्छे फ्रेंड थे। यस, वीर सिंह बुंदेला, ठीक है, वो उनका सपोर्ट करते थे जहांगीर का, बुंदेला रूलर है ना ऑफ ओरछा, ठीक है ओरछा किंगडम। और अबुल फजल को उन्होंने मारा था, यस अबुल फजल का मर्डर कर दिया था, अकबर बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, है ना अबुल फजल का, यस ठीक है ये बात, तो अकबर उससे नाराज हो गए। तो सेम टू सेम यही चीज हिस्ट्री रिपीट्स, शाहजहां ने भी कुछ ऐसा ही किया, मर्डर वर्डर नहीं किया उसने, किसी को मारा वारा नहीं, है ना, पर ये था कि ओके अकबर ने फिर बाद में माफ कर ही दिया जहांगीर को, तो ऐसे यहाँ पर भी जहांगीर ने शाहजहां को माफ कर दिया, बोले कि ओके बेटा ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अंत भला, तो अब वो क्या बोलते हो कहावत है ना, यस जो भी है लौट के बुद्धू घर को आए, तो के आप घर पे आ गए, इट्स गुड वेरी गुड, है ना। तो शाहजहां अकबर आ गए, तो कंडीशन थी दारा शिकोह और औरंगजेब ये कोर्ट में रहेंगे एज अ हॉस्टेजेस। 1626 तक ऐसा चलते रहा, 1622 में रिवोल्ट किया, 1626 तक यही कंडीशन रही, ठीक है। पर भैया देखो ऐसा था कि इस बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़े हो गए थे, इस बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़े हो गए थे 1622 में, 1622 में कंधार चला गया। जहांगीर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर अपना स्ट्रांग होल्ड बनाने के लिए आगरा छोड़ के चले गए लाहौर, यस भैया लाहौर। और यहाँ पर भैया यहाँ पर महाबत खान ने थोड़ा सा जो है इसका फायदा उठाया, इसका फायदा उठाया, ठीक है ये चीज, ओके ये चीज। वीकनेसेस काफी ज्यादा हुई यहाँ पर, यस जहांगीर को भी थोड़ा सा मेंटल वीकनेस हुआ, प्लस साथ ही साथ में एम्पायर को भी थोड़ी बहुत वीकनेस हुई, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया, है ना ये चीज। शाहजहां के कॉन्स्टेंट जो चार्जेस थे कि भैया जो भी पावर है वो नूरजहां के हाथ में चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिर्फ पता नहीं क्या कौन सा दिमाग में उसकी क्या चीज आई कि नूरजहां ही है जो भी कुछ है, मैं तो कुछ हुई नहीं, है ना, जो ये कहती है बिल्कुल फादर मेरा बिल्कुल वैसा ही करते हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। कि इस जहांगीर वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और वो इतने कान के कच्चे भी नहीं थे कि रॉयल लेडीज के कहने पर आ जाए, ना बिल्कुल नहीं। अरे नूरजहां तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में सपोर्ट करती थी, वो हमेशा मेंटली अलर्ट रहते थे हर चीज के बारे में, और अपना डिसीजन जो है वो कॉन्करेंस के साथ ही करते थे, यस बिल्कुल, अपनी मर्जी अपनी कंसाइंस और कॉन्करेंस विद द ग्रेट नोबल्स, नॉट विद द नूरजहां, ये चीज। पर जहांगीर के साथ प्रॉब्लम थी उनकी बीमारी, काफी बूढ़े हो चुके थे यार जहांगीर, और इसका फायदा उठाया किसने, महाबत खान ने, महाबत खान ने रिवोल्ट कर दिया। शाहजहां ने भी बोले बोले आप बेटा भी रिवोल्ट कर चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी रिवोल्ट कर देता हूँ, मैं भी रिवोल्ट कर देता हूँ। कुछ राजपूत रूलर्स के साथ मिल करके महाबत खान जो है वो रॉयल कैंप में जो है एम्परर को जो है सीज कर लेते हैं, कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काबुल जा रहे होते हैं। अरे भैया नूरजहां भी साथ में होती है, नूरजहां बच के भाग निकलती है, यस नूरजहां बच के भाग निकलती है। फिर बाद में नूरजहां बोलती है कि यार महाबत खान को सरेंडर कर देते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। महाबत खान थोड़े से टाइम के लिए सुप्रीम हो जाते हैं ताकि जहांगीर के पास में नूरजहां रहे, वो इसीलिए जो है अपने आप को सरेंडर करती है ताकि कुछ और बनाया जाए। वक्त साथ देता है जहांगीर का, यस साथ देता है जहांगीर का, बिल्कुल।
6 महीने के बाद महाबत खान कुछ मिस्टेक्स करते हैं। भैया महाबत खान तो एक सोल्जर ही तो है, कोई डिप्लोमेट या एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा ना है। ये चीज इसका फायदा उठा लेती है नूरजहां, और महाबत खान के साइड में जितने भी नॉबल्स गए होते हैं उन सबको वापस जहांगीर के खेमे में, है ना। महाबत खान अबेंडन कर देता है जहांगीर को और भाग जाता है, भाग जाता है अपनी जान बचा कर। ये चीज जो महाबत खान की डिफीट है विदाउट फाइटिंग, यस विदाउट आर्म्स, नूरजहां की, वो उनकी बुद्धि का, यस दैट शी वाज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, शी वाज अ वेरी श्रूड, नॉट अ श्रूड ठीक है, बट ही वाज अ शी वाज अ वेरी क्लेवर लेडी ठीक है। ये उनकी ग्रेटेस्ट विक्ट्री है, बिल्कुल उनका करेज, उनकी सगेसिटी, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये चीज ठीक है, ये पार्ट ओके। ये चीज है ना, यहाँ पर नूरजहां जीत जाते, लेकिन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बिकॉज 1627 लाहौर में जहांगीर की डेथ हो जाती है ना, लगभग कुछ नहीं है 1626 में ऐसा होता है, और विद इन अ ईयर जहांगीर की डेथ हो जाती है इन लाहौर, यस इन लाहौर, शहादरा करके एक प्लेस है, यस शहादरा लाहौर में, यहाँ पर है जहांगीर का टोन ठीक है, यस जहांगीर का टोन। जैसे ही न्यूज मिलती है कि जहांगीर जो है डेथ हो गई है, शाहजहां आगरा पहुंचते हैं और अपने आप को जो है वो एम्परर अपॉइंट ठीक है। अपने जितने भी राइवल्स, ब्रदर्स, कजिन्स हैं जिन सब के साथ उनको डेंजर है, उन सबको पकड़ के वो मार देते हैं, पुट टू डेथ ठीक है। नूरजहां के साथ भी वो एक सेटलमेंट करते हैं कि भैया शाहजहां के वो कोर्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगी, बिल्कुल 18 साल तक जो है यस नूरजहां सेक्लूडेड लाइफ लीड करती हैं, और बाद में डेथ हो जाती है एंड शी वॉज बरीड एट लाहौर अलॉन्ग विद दी जहांगीर, यस अलोंग विद द जहांगीर ठीक है। ये चीज तो यहाँ पर जहांगीर का जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है ठीक है। जहांगीर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रीन है इनका, क्योंकि ब्रिटिश फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश एनवॉइस दे केम टू इंडिया, यस देखो भैया 1598 AD में एक ब्रिटिश ट्रेवलर इंडिया में आया अकबर के टाइम पर ठीक है, यस अकबर के टाइम पर, उसका नाम था रैल्फ फिच ठीक है। ये आया इंडिया में देखभाल की सारी चीजों को देख के चला गया। उसके बाद आए सर कैप्टन हॉकिंस, मिलने तो आए थे अकबर से, लेकिन अकबर तब तक मर चुके थे। इन्होंने मांगी फैक्ट्री खोलने की परमिशन, ना भैया नहीं मिली बिकॉज ऑफ द पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस। फिर आए सर थॉमस रो, फिर आए सर थॉमस रो और इनको जो है फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी गई ठीक है। ये पार्ट नेक्स्ट अकबर का टोम बनाया, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें सिकंदरा में है टोम ठीक है, इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का ही सबसे अच्छा स्पेसिमेन है। सबसे इम्पोर्टेंट है इत्मादुद्दौला का टोम, जो कि उनकी डॉटर नूरजहां ने बनाया है, फर्स्ट मॉन्यूमेंट एंटायरली मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल, यस व्हाइट मार्बल ठीक है। जहांगीर ही वॉज अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ पेंटिंग, गुड पेंटर ही वॉज भैया। ये मंसूर और मनोहर ये दो सबसे इम्पोर्टेंट पेंटर हैं जो जहांगीर के साथ है ठीक है, जो जहांगीर के साथ ठीक है। ये चीज वेल अब हम देखते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का असली नाम है खुर्रम, यस हिज रियल नेम वाज खुर्रम, प्रिंस खुर्रम ठीक है। शाहजहां जो है एक प्रोलॉन्ग कैंपेन जो है ये लीड करते हैं कंधार के लिए, अपनी एंसेस्ट्रल लैंड को और पाने के लिए, लेकिन नहीं ला पाते। इसको बल्क कैंपेन कहा जाता है उनका, यस जो कि फ्लॉप कर जाता है ठीक है। ये चीज मुगल कंधार पूरी तरीके से अब खो चुके हैं। डेक्कन पॉलिसी काफी सक्सेसफुल है शाहजहां की, बस ठीक है। अहमदनगर को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है मुगल टेरिटरीज में, ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले। बीजापुर और गोलकोंडा जो है अपनी ट्रीटी साइन कर लेते हैं मुगल एम्परर के साथ। ये देखो ऐसा है कि शाहजहां के टाइम पर अब नॉर्थ इंडिया में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जो भी कुछ है साउथ इंडिया में है, यस बीजापुर गोलकोंडा अहमदनगर अब यही किंगडम्स बचे हुए हैं, दैट्स इट। तो शाहजहां जो है मुगल प्रोविंसेस डेक्कन में खानदेश, बेरार, तेलंगाना, दौलताबाद, इन सबको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं मुगल एम्पायर ठीक है, और यहाँ पर अपने बेटे औरंगजेब को बना देते हैं गवर्नर। शाहजहां का जो पीरियड है वो सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर के लिए नोन है, यस मुगल आर्किटेक्चर के लिए नोन है। बर्नियर और ट्रेवर्नियर जो है ये दो फेमस फ्रेंच ट्रेवलर हैं जो कोर्ट को विजिट करते हैं ऑफ शाहजहां ठीक है, जो कि कोर्ट को विजिट करते हैं ऑफ शाहजहां ठीक है। शाहजहां ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर,
ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, मैंने पता ही बता ही दिया बिल्कुल। पर्शियन ओनियन शेप डोम्स, पर्शियन स्टाइल डोम्स ये यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं इंडिया के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पेट्रा ड्यूरा टेक्निक, पेट्रा ड्यूरा टेक्निक मुगल बिल्डिंग्स में पहली बार यूज होती है। अभी पेट्रा ड्यूरा टेक्निक्स है क्या बेटा? देखो वॉल के ऊपर जो भी एम्ब्रॉयडरी है, जो भी नक्काशी की गई है, उसमें कलर्स की जगह पर प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स को फिल करना, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स को डालना कलर्स की जगह पर। दैट टेक्निक वी कॉल्ड एज पेटेरा ड्यूरा टेक्निक। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ताजमहल, मोती मस्जिद, आगरा फोर्ट में, न्यू दिल्ली सिटी में जो बनाया शाहजहानाबाद, ये द सेवेंथ सिटी ऑफ दिल्ली, सेवेंथ सिटी ऑफ दिल्ली वॉज शाहजहानाबाद, सेवेंथ सिटी ऑफ दिल्ली है ना। यस, इसमें है चांदनी चौक, रेड फोर्ट एरिया एंड जामा मस्जिद। क्या है? चांदनी चौक, रेड फोर्ट एरिया एंड जामा मस्जिद। यस भैया, शाहजहानाबाद। ठीक है, आज भी है, आज भी है भैया, दरियागंज चांदनी चौक दिल्ली में आज भी फेमस है। यस भैया, यस, ये सब शाहजहां ने बनाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था पिकॉक ड्रोन, जो कि तख्त ए ताउस जिसे कहा जाता है, तख्त ए ताउस। यस, इसको नादिर शाह अपने साथ ले गया पर्शिया ना, जब उसने अटैक किया इन 1439 AD में, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर ये चीज तख्त ए ताउस पिकॉक ड्रोन ये बनाया था। ठीक है, ये कुछ फीचर्स है, बाकी पर इसके अलावा और इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो शाहजहां का हमने इसलिए बताया क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पर ज्यादा हुई, शाहजहां के टाइम पर ऐसी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई भी नहीं है। सिर्फ इतना था कि साउथ इंडिया में जितने भी एम्पायर थे उनको उनको सप्रेस किया। शाहजहां के एरा में एंड में बस वॉर ऑफ सक्सेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये शाहजहां के लास्ट इयर्स में उसके चार बेटे थे, दारा शिकोह जिसको कि उन्होंने अपना वलीहद बनाया था, यानी क्राउन प्रिंस, शुजा जो कि बंगाल का गवर्नर था, औरंगजेब डेक्कन में था, और मुराद बख्श। यस, मुराद बख्श जो कि मालवा गुजरात में था। 1757 में एक रूमर आता है कि शाहजहां मर गए, हालांकि तबीयत खराब होती है पर रूमर आता है कि शाहजहां मर गए। औरंगजेब था काफी केपेबल, यस केपेबल पर्सन। ठीक है, और दारा शिकोह था फेवरेट, औरंगजेब बनना चाहता था रूलर एम्परर, दारा शिकोह को अपॉइंट किया था एज वली क्राउन प्रिंस। औरंगजेब ने दारा शिकोह के अगेंस्ट में, यस भैया ये पहुंचा, जैसे ही शाहजहां के बीमार पड़ने की खबर पहुंची औरंगजेब के पास, वो तुरंत दिल्ली पहुंचा, दारा शिकोह को हराया और वहां पर अपना खुद का कोरोनेशन किया। यस, अमर विक्टोरियस इन द स्ट्रगल, आगरा फोर्ट में पहुंचा, दारा शिकोह को हरा दिया और उसके बाद में अपने आप को बोला एम्परर। यस भैया, शाहजहां को फोर्सफुली सरेंडर करने को कहा गया, फिर शाहजहां चले गए कन्फाइनमेंट एंड इन द ईयर 1666 AD शाहजहां डाइड। ठीक है, 1658 में जो है एम्परशिप चेंज हो जाती है ना, और औरंगजेब बिकेम द एम्परर। ठीक है, 8 साल तक, 8 साल तक वो जो है अपनी बेटी जहांआरा, जो कि उनकी सबसे बड़ी डॉटर थी जहांआरा, उन्होंने इनका काफी हेल्प किया, काफी नर्स किया इनको, उनके जो है बिल्कुल जो ही डाइड। ठीक है, और उनका ग्रेव है ताजमहल। ठीक है, दारा शिकोह को भी हरा दिया गया और बाद में मार दिया गया, एंड औरंगजेब बिकेम द रूलर। दारा शिकोह एक तरीके से देखा जाए तो मोस्ट लर्नेड सन था शाहजहां का, और मजमुल बहरेन ये कॉन्फ्रेंस ऑफ सीज करके एक नाम थी वेरियस रिलीजन के ऊपर, ये शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने लिखी। ठीक है, लिटिल अकबर कहा जाता है बिकॉज वो काफी ज्यादा जेनरस हुए थे दारा शिकोह। बस यही कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स बनते हैं अबाउट दी किंगडम, अबाउट दीज रूलर्स। ठीक है, शाहजहां यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में कल की सेशन। यस, अब हमारा औरंगजेब है और डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, कुछ कल्चरल सेटिंग्स, यस क्या क्या आर्किटेक्चर पेंटिंग्स और इन सब में डेवलपमेंट हुआ उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, सो गाइस अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक करें, है ना, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। भैया प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना ना भूले, मैं अभी भी कहूंगा प्लस और आइकॉनिक दो टाइप के कोर्सेज हैं, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं, आप कोई भी एक ले सकते हो, क्योंकि अगर आप वाकई में 2021 या 2022 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो भैया इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। प्लस का सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलरिटी आपकी पढ़ाई में आएगी। यस, हर मर्ज की एक दवा है आपका, हर मर्ज का एक सोल्यूशन है ये, बिल्कुल हर यूपीएससी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन सबका एक ही सोल्यूशन है, अन अकेडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अमित मोदी।
मोदी कोड यूज करते ही 10% का डिस्काउंट तो मिला ही मिला फीस के अंदर, और साथ में मिल जाएगी मेरी मेंटरशिप, माई मेंटरशिप। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। थैंक यू एट द सेम टाइम, थैंक यू वेरी मच।